भावन भूत ईश्वर मेरा उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर महादेव की ये पावन धरा भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर की करुणा से, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की दया से, श्रद्धा टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों में विराजमान होकर भगवान की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। YouTube Facebook के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद। कथा के मुख्य यजमान मनोरथी श्री प्रवीण जी पाराशर, श्रीमती हेमलता जी पाराशर, आप फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं, जो यहाँ पर भगवान शिव की ही कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से ये पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा से आकर भगवान की पावन कथा करवाना और शंकर के पावन चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना, ये शिव की ही कृपा से हो सकता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर जीवन में थोड़ा सा भी सुख मिल रहा है तो उस परमात्मा की कृपा से ही मिल रहा है, और यदि जीवन में थोड़ा सा दुख का भान भी हो रहा है तो यह परमात्मा की ही कृपा। कल एक कथा कही थी जो शिवरी नारायण में कही थी कि पक्षी को यह सिखा दिया गया कि हर चीज में भगवान का धन्यवाद दो। दुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए और सुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए। भगवान के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करने का जो सुख है, भगवान के चरणों का जो रस तत्व है, वो हमारे जीवन को आनंदित करे। अगर दुख भी मिला तो हम भगवान को धन्यवाद दें कि आपने जो दिया वो श्रेष्ठ दिया। और मान लो अगर सुख भी दिया तो उसमें भी हम धन्यवाद दें कि आप जो हमें दे रहे हैं ये आपकी कृपा है। समस्या बहुत बड़ी है, मान लो दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, तो भी हमें हारना नहीं है। करोड़ों की आबादी वाले इस भारत भूमि पर जब कोरोना महामारी का कहर छाया, पर इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी को भी साधुवादता देंगे कि उन्होंने ऑनलाइन आकर सबके सामने आकर आपकी हिम्मत को बांधा। और ऐसी हिम्मत इस राष्ट्र की बांधी, इस भारत की भूमि की बांधी कि
वैक्सीन का निर्माण भी अगर हुआ, अगर औषधि भी निर्मित हुई, तो यही भारत की भूमि से हुई और पूरे विश्व में उसका नाम हुआ। हारना नहीं है, समस्या अगर बड़ी है तो यह सोचकर चलना कि हमारा विश्वास और हमारा परमात्मा उससे बड़ा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। अगर दुख आया है तो उसका कुछ तो हल होगा, तकलीफ आई है तो उसका तो कोई हल निकलेगा ही। आज एक माता जी मिल रही थी, जब हम भोजन भंडारे कक्ष को देखने गए थे तो कह रही थी, गुरुजी कैंसर हो गया था, अब बाबा ने अच्छा रख दिया है। अब कुछ भी नहीं है, और दूसरी रिपोर्ट की जांच भी कराई तो उसमें कुछ नहीं निकला। अर्थात आपका विश्वास तो है ना भगवान पर, और अगर उस परमात्मा पर भरोसा है, उस परमात्मा पर विश्वास है, तो बाल मां का नहीं हो सकता। समस्या मान लो बहुत बड़ी भी है, बहुत बहुत बड़ा दुख भी सामने खड़ा हो गया, तो तुम तैयारी रखना कि उस भोलेनाथ के आगे टिकने वाला नहीं है, उस विश्वनाथ के आगे टिकेगा नहीं। आपका जो विल पावर है वो मजबूत होना चाहिए। दुख आता ही क्यों है? दुख आने का कारण क्या है, किस लिए आया? दुख आता ही इसलिए है कि आप संभलो। बच्चा जब गिरता है तो माता जानती है कि अगर थोड़ा सा गिरेगा तो चलना भी सीखेगा। कहीं एकांत में अगर बच्चा चलता है और गिरता है तो संभल जाता है, पर अगर उसके मम्मी पापा के सामने अगर बच्चा गिरता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उठाएं और हृदय से लगाएं। ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माता पिता मुझे हृदय से लगाएं, इसलिए बच्चा रोता। अकेले में गिर जाता तो उठ जाता, झाड़ झुड़ के नहीं उठ जाए, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। और अगर अकेले में गिरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर माता पिता के सामने, भाई बंधु के सामने, ताऊ ताई के सामने, चाचा चाची के सामने, नाना नानी के सामने, दादा दादी के सामने अगर वो बच्चा गिरता है तो उसकी आशा ये रहती है कि मुझे ये उठाएं, तो रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलता है और बार बार उस जगह को देख कर रोएगा जिससे उसके ऊपर कोई फूंक मारे, उस पर कोई हाथ लगाए, उसको कोई झाड़े, प्रेम करे, स्नेह करे, गोदी में बिठाए, लाड लड़ाए। तो उसी तरह भगवान दुख क्यों देता है? भगवान भी चाहता है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बुजुर्ग हूं, ये मेरे पास में आए और मुझसे कहे और मैं इसको फिर गोदी में बिठाऊं, मैं इसको अपने पास रखूं, मैं अपने करीब में इसको रखूं, इसको फिर मैं दूर ना जाने दूं, अपने करीब में रखकर, अपने पास में रखकर इसके जीवन की मैं सार्थकता को सिद्ध कर दूं। खाली दाल को उकाल लो, उसमें नमक मत डालना, ना मिर्ची डालना, ना उसमें बघार लगाना, केवल दाल उबली हुई बिना नमक मिर्ची की, ना हल्दी, ना कुछ भी नहीं, मिर्ची नहीं, नमक नहीं, पुदीना नहीं, हरा धना नहीं, कुछ भी नहीं, बस उकाली और तुम उसको रोटी खा लो, और रोटी में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे खा लो। अच्छी लगेगी क्या? नहीं, स्वाद नहीं आएगा। दाल में एक भगोना दाल में
इतना सा बगार स्वाद ला देता है, कितना सा बगार, इतना सा बगार स्वाद ला देता है। उसी तरह हमारे बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये संपूर्ण जीवन के समय में मात्र 3 घंटे की शिव महापुराण आनंद ला देती है। मात्र 2-2.5 घंटे की ये शंकर की कथा हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। जीवन में स्वाद लाने का अगर कोई काम कर सकता है, इस जीवन को स्वादिष्ट अगर बना सकता है, तो वो शंकर ही बना सकता है। तुम राम को भजो तो राम को भज लो, तुम कृष्ण को भजो तो कृष्ण को भज लो, तुम शंकर को भजो तो शंकर को भज लो। ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना शिव अलग है, तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, अर्थात जो बुद्धि से विहीन है वो भेद समझेंगे कि ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, ये शंकर अलग है। पर अगर कोई बुद्धि से प्रबल है तो वो समझ जाएगा ये तीनों एक। कोई कह रही थी कि गुरुदेव मालूम है, मैंने, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं था जो बचा हो, सब भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया। पर मैंने एक बात विचार करी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान आके काम करेगा, पर भगवान तो नहीं आया, पर मेरा काम जरूर हो गया, कोई ना कोई आके कर गया। ठीक है, आपको एक कथा में कहा था क्या भगवान आएगा तुम्हारे सामने? नहीं आएगा। अगर शंकर जटा धर कर आ जाए, गले में मनाक पहन कर आ जाए, जटा जूट बांध कर आ जाए, और खूब बढ़िया त्रिशूल और डमरू लेकर और तुम्हारी गलियों में घूमता हुआ शोर मचाता मचाता आ जाए, तो तुम उसे क्या पहचानोगे? यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान पहुंच गए, यशोदा जी ने पहचाना क्या? श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, अली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा रानी से जाकर कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे दर्शन करा दो। कौन कराए? जटाबंदी हुई है, गले में सांप पड़ा हुआ है, भस्मी रमी हुई है, ऐसे को कोई अपना पुत्र दे सकता है? नहीं। आखिरी में जब शंकर जी ने देख लिया कि ये मुझे देने वाली नहीं है, तब शंकर जी ने दूसरे ब्राह्मण का रूप रख लिया और ज्योतिष आचार्य बनकर यमुना जी के घाट पर जब हाथ देखने के लिए बैठ गए, तब यशोदा जी खुद बेटे को लेकर आ गई और भगवान की गोद में दे दिया। भगवान उस दिन से समझ गए कि कली काल में, संसार में, मृत्यु लोक में अगर किसी से मिलने जाना है तो रूप बदल कर जाना। तो तुम ये अंदाजे में मत रहना कि शंकर जी आएंगे और काम कर कर जाएंगे, शंकर जी किसी को भेज देंगे और काम हो जाए। एक कितनी सुंदर कथा है, एक ब्राह्मण था और उसकी धर्म पत्नी। ब्राह्मण बड़ा सत्कर्मी था, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। उसकी पत्नी भी थी अच्छी, भले मंदिर नहीं जाती थी, भले पूजन नहीं करती थी, पर पति को देखकर बड़ी खुश होती थी, क्योंकि वो अगरबत्ती भी लगाते, दियाबत्ती भी करते, भजन भी करते, कीर्तन भी करते। वो मंदिर नहीं जाती, वो कभी अगरबत्ती लगाने नहीं जाती, वो दिया भी नहीं लगाती, घर में तुलसी को भी पानी नहीं डालती, पर वो खुश बड़ी होती कि मेरा पति तो कर रहा है ना, बहुत है बस। वो दिन भर आराम से अपनी, हो सकता है दिन भर व्हाट्सएप चलाती होगी, वो फुल एंजॉयमेंट में अपना जीवन निकालती, फुल आनंद में, आनंद मस्ती में अपने जीवन को जी, उसको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा। पर पति से एक शब्द नहीं कहती थी कि तुम ये तकलीफ है, वो तो मस्त रहते। पंडित जी जाते, पूजन पाठ करते मंदिर की, जो दक्षिणा मिलती उससे अपना घर चलाते। अब कोई
शिवरात्रि का समय आ गया और शिवरात्रि का जब समय आया तो शिवरात्रि के पहले 2-3 महीने पहले से मंदिर में भीड़ कम आने लगी, लोग आते नहीं, दर्शन नहीं करते, दक्षिणा नहीं मिलती, बड़ी परेशानी हो गई। पत्नी रोज पूछती कुछ मिला नहीं, अब दुख हुआ, अब क्लेश हुआ, भूखे मरने की नौबत आ गई, कोई दूसरा काम कर लो, हो गई महादेव की पूजा बहुत, अब पंडित मंडित गिरी नहीं रखी, कुछ भी कमाना वमाना नहीं है, अब ये कोई रखा है क्या? अब दुख है, कह तो दिया पत्नी ने कि अभी पंडिताई छोड़ दो और कोई नौकरी मोकरी कर लो, कोई जॉब मॉब कर लो, एक कोई पंडित जी का मैसेज था कि गुरुजी मैंने पंडिताई सीखी है और मेरा मन खूब करता है कि मैं पंडिताई करूं, पर मेरे बहन भाई कहते हैं कि सबकी शादी हो गई, तेरी शादी नहीं हो रही, तो पंडिताई छोड़ेगा तब शादी होगी, पंडित को कोई छोरी देने को तैयार नहीं। क्या करता है? घंटी हिलाता, सत्यनारायण की कथा भाजता, यज्ञ करता, पूजन करता। हमने उससे एक ही बात की, तो चिंता मत कर, अगर तू सच्चे मन से भगवान की सेवा कर रहा है, दक्षिणा मिल रही है नहीं मिल रही है, 100 रुपए मिले 50 रुपए मिले, रात भर एक वो महिला संगीत में डांस करने के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ वेटर काम करने आते हैं, तैयार होकर थोड़ी घंटा 2-3 घंटा भोजन सर्व करते हैं, परोसते हैं, उनको लोग 1,500-2,000 रुपए दे देते हैं और पंडित रात भर वेट कर शादी कराता है, उसको 500 रुपये मिल पाता, पूरी रात बैठा सो। तू भगवान के भरोसे पर पूजन पाठ बंद नहीं करना अपन को, दुनिया के लोग बहुत टांग खींचेंगे, कहेंगे इसमें कुछ नहीं रखा, पंडित कर्म में क्या रखा हुआ है, क्या कमाई होगी, क्या करोगे, कैसे करोगे, पर एक ब्राह्मण ही है जो इस धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को बढ़ा सकता। तो छोड़ना नहीं महाराज, उसने भी प्रण कर लिया कि अब देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ब्याह होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक। बाबा जब कृपा करे तो हारना नहीं। धर्म पत्नी कह रही अपने पति से कि तुम अब ये पंडिताई मंडिताई छोड़ दो और तुम जल्दी से कोई कमाओ के लाओ तो थोड़ा बहुत घर भर का गुजारा चले, भूखे मरने की नौबत आ गई, 3 महीने से कुछ नहीं लाए हो, बड़े आफत में फंसे हुए हैं, शिवरात्रि का समय आ गया, भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकले, शाम का समय था, ये मंदिर जा रहा था, आज शिवरात्रि है, शिव जी निकल कर जा रहे थे तो माता पार्वती ने कहा ये आपका भगत हमेशा शिवरात्रि पे बड़ा खुश दिखता था, ये पहली शिवरात्रि ऐसी आई है जो इसके चेहरे पर खुशी नहीं है। पहली बार इसके चेहरे पर खुशी नहीं है। पार्वती जी कह रही हैं कि पूछो तो सर आखिर बात क्या। भगवान शंकर बोले पार्वती जीवन सुख का चलते चलते अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ भी जाए तो समझ लेना ये पूर्व के कर्म का भोग अब भोगने का क्रम चालू हुआ है। सुख के दिन मालूम नहीं पड़ते और दुख के दिन कटते नहीं है,
भले दुख 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का हो, पर उसको काटना बड़ा कठिन पड़ जाता है, बहुत कठिन। आप पूछो तो अब इसको दुख काटना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक तो। पार्वती जी कहती आप कालों के काल हो, महाकाल हो, क्या दुख नहीं काट सकते महाराज? आप तो सर्वस्व हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर दिक्कत क्या है महाराज? मेरा भोला उज्जैन को काल, गौरा मैया महाकाली। उज्जैनी में रहता डमरूधारी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मैला कैलाश अविनाश, जो सर्वस्व निवास कर रहा है, हर जगह घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, क्या वो दुख नहीं काट सकता? शिव कह रहे हैं कि दुख तो काट दूंगा, तू कह रही है तो मैं अभी काट देता हूं, चिंता मत कर। पार्वती जी ने पूछा इसने जिंदगी में पुण्य तो करा है ना? शंकर जी बोले हाँ पुण्य तो करा है, मंदिर में पूजन करी, वो दक्षिणा के लिए करी कि कमाई होगी तो घर चलेगा। मंदिर में पोछा लगाया तो इसलिए लगाया कि सफाई रहेगी तो 4 लोग ज्यादा आएंगे। बुआरी काढ़ी इसलिए काढ़ी कि यहाँ सफाई होगी तो लोग आनंद में बैठेंगे, बैठेंगे तो कुछ देंगे। प्रसाद बांटा इसलिए बांटा कि कुछ मिलेगा, प्रसाद देंगे तो कुछ प्राप्त हो जाए। चरणामत दिया तो इसलिए दिया कि कुछ मिल जाएगा। मस्तक पर तिलक लगाया इसलिए लगाया कि कुछ रुपया मिल जाएगा। पर इसने संपूर्ण कार्यक्रम, आरती भी उतारी तो इसलिए उतारी कि थाली में कोई कुछ जम के तो बोलो चढ़ा देगा। सब काम इसने करा तो कुछ पाने के लिए करा, पर एक काम इसने ऐसा करा जिसमें इसने पाने के लिए नहीं करा। तो पार्वती जी ने पूछा वो कौन सा काम है? शंकर भगवान कहते हैं जब ये बेलपत्र चढ़ाने बैठता था ना तो दिल से चढ़ाता था, ये बेलपत्र चढ़ाने बैठता था तो दिल से चढ़ाता था। बेलपत्र चढ़ाते समय इसके मन में कुछ मांगने का भाव नहीं आता था। शंकर भगवान कहते हैं इसने अपने जीवन में जितनी बेलपत्र चढ़ाई होगी उतनी बेलपत्र के बराबर इसको धन प्रदान करना अब मेरा काम, अब मैं संपदा दूंगा, अब मैं संपदा प्रदान करूंगा। अब शंकर और पार्वती की बात एक बनिया ने सुन ली जो कहीं सामान लेकर जा रहा था, खूब सारा पैसा धेला उसके पास में, और उसने शिव और पार्वती की बात उस जंगल में सुन ली कि इसको जितनी बेलपत्र इसने चढ़ाई है और चढ़ाई हुई बेलपत्र पंडित जी के घर पे रखी है ठंडी करने के लिए, विसर्जन करने के लिए, वो बेलपत्र जितनी होगी उतना ही इसको धन मिलेगा। अब बनिया ने सोचा क्यों ना सारी बेलपत्र मैं ले आऊं तो उतनी बेलपत्र का धन मुझे मिल जाएगा। अब देखो शंकर भगवान खुद नहीं आए हो, स्वयं नहीं आया। अब बनिया ने सुन लिया और बनिया ने सुना तो बनिया सीधे गया ब्राह्मण देवता के पास, पंडित जी बोले बोलो साहब तुमने जितनी बेलपत्र चढ़ाई थी वो बेलपत्र तुम्हारे पास रखी है? हाँ अभी मैंने विसर्जन नहीं करी, अब तो चढ़ानी चढ़ाई हुई रखी, विसर्जन करने जाऊंगा। कहाँ रखी? वो रखी, वो सारी बेलपत्र हमको दे दो। भले चाहो तो तुम उसके बराबर में 500 सोने की मोहर ले लो, 1000 सोने की मोहर ले लो, पर वो बेलपत्र दे दो। 1000 सोने की मोहर पंडित जी को मिल गई। पंडित जी ने बेलपत्र का बोरा लिया, मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। अब इसकी कीमत बढ़ेगी, अब देखो अब बेलपत्र खूब आनंद में होगी। पार्वती जी ने कहा बेलपत्र का पुण्य मिलना था पंडित को,
थोड़ा सा धन ले लिया परिवार को पालने के लिए, बाकी का सब छोड़ दिया उसने, तो चिंता मत कर, उसके भाग्य में जितना लिखा था उतना ही दिलवाऊंगा। बेलपत्र जितनी भरी हुई है, एक एक बेलपत्र के हिसाब से एक एक रुपया दिलवाऊंगा, तो चिंता मत कर। अब सेठ जी बैठ गए मंदिर पर, मंदिर पर बैठ गए तो उन्हें इंतजार करा, अब शंकर जी आज पूरा सोने का बनाएंगे बेलपत्र को, जितनी बेलपत्र। शंकर जी तो आए ही, अब शंकर जी नहीं आए तो इसने ताने देना चालू करा, भोलेनाथ जी को खूब कोसे, खूब खूब कोसे। ये दुनिया की रीत है, जहां से कुछ मिल जाए ना व्यक्ति, वहां पर कुछ नहीं बोलता, और अगर मान लो नहीं मिले, नहीं हो बात, तो फिर वो कोसना चालू। हमारे साथ कई कई आप लोग फोन लगाते हैं, कई लोग टीवी के माध्यम से, और कहते हैं हमें गुरुजी से बात कराओ, तो जब बोलते हो तो बड़े प्रेम से बोलते हैं गुरुजी से बात कराओ, और वो बोल देते हैं गुरुजी से तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम व्यासपीठ से आपको कई बार बोले कि हम फोन पर बात नहीं करते, और आज करें ना कल करें, तो कई लोग ऐसे भी हैं गुरुजी से बात नहीं करते, बात करना है हमको तो जिद पे अड़ जाते, गुस्सा करते, क्रोध करते, अपशब्द भी कह देते। तो बच्चे लोग कहते गुरुजी बहुत अपशब्द बोलते हैं, हमने कहा बोलने दे, मालूम पड़ता है कि किसके घर के कैसे संस्कार है, इससे ज्ञात होता। पर कोई कहे कि बात करना जरूरी है तो नहीं। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे, उस कथा को हमने अपनी जिंदगी में उतार कर रखा। हमारे गुरुजी कहते थे कि महाराज जी प्रवचन देने बैठे, प्रवचन देने बैठे तो एक स्त्री अपने पुत्र को लेकर आई, और पुत्र को लेकर कथा में बैठ गई। पुत्र को लेकर जब कथा में बैठी तो वो जो नारी थी, वो जो स्त्री थी, वो गुरुजी से कथा होने के बाद कहती थी कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना, और गुरुजी उससे मिलते नहीं थे। वो रोज कहती गुरु उससे नहीं मिलते। हमारे गुरुजी की कथा है, गुरुजी वर्णन करते थे, श्री विट्ठलेश राय काका जी महाराज, जिनके नाम पर विट्ठलेश सेवा समिति बनी। गुरुजी नहीं मिलते उससे, उसके बेटे को क्रोध आ गया, गुरुजी जाने लगे तो उनका हाथ पकड़ कर बोला कि मेरी माता तुमसे मिलना चाहती है अकेले में, तो तुम मिलना क्यों नहीं चाहते, और अगर मेरी माता से नहीं मिले तो कल उठकर सभा के बीच में मैं कुछ भी कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा मैं तेरी माता से अकेले में मिलने को तैयार हूं, शर्त एक है, मेरे जहां कपड़े सूख रहे हैं वहां पर तेरी माता का एक वस्त्र लाकर सूखने डाल दे, फिर मैं तेरी माता से मिल लूंगा। प्रवचन चालू होने से पहले डाल देना, जहां कपड़े डले थे वहीं पर गुरुजी के कपड़े के पास में उस बच्चे ने अपनी मम्मी का एक कपड़ा ले जाकर टांग दिया। जितने भी प्रवचन सुनने आए थे किसी एक का ध्यान उस कपड़े पर चले गया, एक ने दूसरे को कोनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, सबको बताया कि ये गुरुजी ढोंगी है, बताओ जरा कपड़ा, स्त्री का कपड़ा और गुरुजी के कपड़े के पास में, सब उठकर चले गए। गुरु ने उस बालक को बुलाया कि मात्र तेरी माता का एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की बुद्धि बदल गई, अगर एकांत में तेरी माता से बात कर लेता तो शायद समझ की पूरी सृष्टि ही बदल जाती, क्योंकि लोगों को समझाना कठिन है, लोगों की दृष्टि को मोड़ना कठिन है। हमारे गुरुदेव कहते थे मिलो सबसे मिलना है, सार्वजनिक रूप से मिली है। बात करो मना नहीं है, सार्वजनिक रूप से करिए। उस दिन से नियम बनाया है कि फोन पर बात आप लोगों से नहीं होगी। हाँ ये कार्यकर्ता कर सकते पर हम नहीं करेंगे। आपको जो पूछना है, कई लोगों के पत्र आते हैं, लेटर द्वारा आते हैं, आप भेजो विट्ठलेश सेवा समिति को, आप भेजो हमारे घर पर पत्र, हम पढ़ेंगे उसको, देखेंगे क्या कारण है, क्या हो गया ऐसा। जिनसे बात नहीं करी जाती, और कई कई लोग ऐसे हैं कि वो विचार करते हैं कि इनसे बात नहीं हो रही तो कुछ भी फिर उसके लिए वर्णन करना कि बताओ अकड़ आ गई, अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, ये हो गया, तो आग लगे बस।